हेलो गाइस, OnePlus 5 की लॉन्च डेट नज़दीक आ रही है। इंडिया में इसकी लॉन्च 22 जून को है, लेकिन लॉन्च से पहले ही काफ़ी सारी फोटोज़ लीक हो चुकी हैं, जिससे कि OnePlus 5 की काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन पहले ही पता चल गई हैं। तो आइए इसके बारे में अच्छे से डिटेल से जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशु और आपका मेरे इस टेक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, OnePlus 5, OnePlus 3 और 3T के बाद आ रहा है। OnePlus ने OnePlus 4 को स्किप करके डायरेक्ट OnePlus 5 पे जंप किया है। OnePlus 5 की लीक्स फोटो से पता चलता है कि ये iPhone 7 Plus से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। इसमें iPhone 7 की तरह ही ड्यूअल रियर कैमरा है और एंटीना लाइंस भी ऊपर की तरफ हैं और फिंगरप्रिंट आगे है और इसकी बॉडी भी फुल मेटालिक है, मतलब कि शायद इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है। और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसकी डिस्प्ले 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले होगी, मतलब कि LG G6 और Samsung S8 की तरह इसमें बेजललेस डिस्प्ले नहीं होगी, ये पहले की तरह एक नॉर्मल 5.5 इंच की स्क्रीन होगी। इसे लेकर OnePlus के CEO ने कहा भी है कि हम बेजललेस स्क्रीन को ट्राई करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए हमारे पास डिस्प्ले के रिसोर्सेज और अवेलेबिलिटी नहीं है। और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 835 है, जो क्वालकॉम की सबसे हाई एंड प्रोसेसर है, जो कि ऑक्टा कोर है। इसकी चार कोर्स 2.35 गीगाहर्ट्ज़ पे रन करती है और बाकी की चार कोर्स 1.9 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करती है। रैम के मामले में तो OnePlus हमेशा ही आगे रहा है, इस बार भी आगे है। OnePlus 5 में दो वेरियंट है, एक 6GB रैम की, एक 8GB रैम की। 6GB रैम के साथ 64GB की स्टोरेज मिल रही है और 8GB रैम के साथ 128GB की स्टोरेज मिलेगी। और कैमरा की बात करें तो इसमें पीछे ड्यूअल कैमरा है। वैसे ड्यूअल कैमरा हमने पहले भी देखे हैं, जैसे LG G6 में, उसमें सेकंड कैमरा का काम है वाइड एंगल फोटो लेना। और iPhone 7 Plus में हमने देखा कि इसमें सेकंड कैमरा टेलीफोटो लेंस की तरह काम करता है, जो कि हमें जूम करने की फैसिलिटी देता है बिना क्वालिटी लॉस के। तो OnePlus ने भी iPhone 7 Plus की तरह सेकेंड कैमरा के लिए टेलीफोटो लेंस को इम्प्लीमेंट किया है। और OnePlus के CEO ने इसके लिए एप्पल को थैंक्स भी कहा है कि थैंक्स फॉर एजुकेटिंग अस। डुअल कैमरा में एक कैमरा 16 मेगापिक्सल की है, उसकी अपर्चर f1.7 की है, और सेकंड कैमरा 20 मेगापिक्सल की है, उसकी f2.6 अपर्चर है। मतलब आईफोन की तरह तो है, लेकिन आईफोन से ज़्यादा मेगापिक्सल की है। तो हो सकता है इसमें ज़्यादा डिटेल्स मिले। वैसे भी OnePlus ने इस बार OnePlus 5 के लिए कैमरा डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी दी है, कि जिस तरह एप्पल, सैमसंग और गूगल अपने फ्लैगशिप फोन्स में काफ़ी अच्छे कैमराज बना रही है, तो OnePlus ने भी OnePlus 5 में अच्छे कैमरा बनाने का चैलेंज लिया है। और इसमें आईफोन की तरह पोर्ट्रेट मोड भी है, जिसमें कि आपको बुके इफेक्ट मिलेगी, बैकग्राउंड एरिया आपको ब्लर मिलती है और जिस पे आप फोकस कर रहे हैं उसकी सेंस ऑफ डेप्थ आपको फील होगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है जो कि अब आपको एंड्रॉयड फ़ोन में मिलेगी। और बैटरी के मामले में काफ़ी सारी लीक्स में कोई लीक्स 3300mAh दिखा रही है, कोई 3600mAh दिखा रही है, कोई 4000mAh दिखा रही है, लेकिन OnePlus 5 की स्लीक एंड स्लिम बॉडी को देख के लगता है कि इसमें 4000mAh बैटरी नहीं होगी। मेरे ख्याल से 3300 या 3600 होगी, लेकिन डैश चार्जिंग के बारे में आप जानते होंगे, तो हो सकता है कि OnePlus 5 में उससे इम्प्रूव्ड चार्जिंग हो, तो चार्जिंग काफ़ी फास्ट होने वाली है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एंड्रॉयड 7.1 मिलेगी नौगट, और उसके साथ ऑक्सीजन OS का UI होगा। और प्राइस की बात करें तो इसको लेकर के भी लीक्स हो चुकी है, जिसमें लिखा गया है कि 6GB और 64GB की वेरिएंट 32,999 में मिलेगी, मतलब 33,000, और 8GB रैम और 128GB स्टोरेज का प्राइस 37,999 होगा, मतलब 38,000। तो ये OnePlus की सबसे हाई प्राइस फ़ोन है। OnePlus की USP ही है कि कम प्राइस में फ्लैगशिप किलर फ़ोन देना, लेकिन धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज होती जा रही है। तो होप कि ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होगा। अभी तो मैंने लीक्स की बात की है, जब 22 को लॉन्च होगी तो जो भी स्पेसिफिकेशन चेंज होगी तो मैं उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में चेंज कर दूंगा, और बहुत ज़्यादा चेंजेस होगी तो मैं नया वीडियो भी बना दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेके आता रह सकूँ। तो आज के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।